आप बात करना चाहोगे पर बात कर नहीं पाओगे आप कुछ काम करना चाहोगे आप कर नहीं पाओगे तो ये जद्दोजहद में फंस जाता है आदमी और माइंड का काम यही है कि ना ही आपको आगे स्टेप लेने देगा माइंड में कुछ थॉट उठ रहे हैं उनका असलियत से कोई लेने देना नहीं है बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको ये दिखने लगेगा कि आप अलग हो और आपका थॉट प्रोसेस अलग है योगा का जो पाथ है इससे हमारी अवेयरनेस राइज होती है और ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये कब गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं नमस्कार एवरी एवरीवन सभी का स्वागत है चैनल में दोस्तों स्कूल टाइम में जब से मुझे थोड़ा होश आने लगा पाँचवीं छठी सातवीं के बाद से मेरे दिमाग में एक चीज़ घर करने लगी अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा एक शर्मीलापन बात करने में शर्माना या बात ना कर पाना ये चीज़ें मेरे अंदर धीरे धीरे बैठने लगी और ये मेरी सराउंडिंग की वजह से ही था परंतु ये चीज़ें धीरे धीरे घर घर करने लगी फिर टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ बी टेक में आते आते ये चीज़ें थोड़े और लेवल पे उठने लगी हम अपने अंदर ये मैं ये बिठाने लगा कि मुझे लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है हालांकि ऐसा कुछ नहीं था मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी थी परंतु यह अपने अंदर मैं बिठा चुका था कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब मैं बी में था कि अगर मेरे सामने से पाँच छः लड़कियाँ आ रही है तो मैं कभी कभी घूम के वापस भी निकल जाता था ऐसा मेरे अंदर बैठ गया था और मुझे माइंड के बारे में उस समय कोई जानकारी नहीं थी माइंड जैसा गेम खेल सकता था वैसा खेलता था चल एक बच्चा बच्चे को क्या मालूम कि वो माइंड खेल रहा है उसके साथ मैं अब देखता हूँ कि वो माइंड मेरे साथ कितना खेल रहा था तो ऐसी अनेकों चीज़ें होती थी और अगर मान लो कि मैं यूनि मैं जिस समय बी कर रहा था एक दिन की मुझे बात याद है कि मुझे फीस से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछने जाना था तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी तो मैं दरवाजे तक जाता तीन बार मैं दरवाजे से जाकर वापस आया फिर चौथी बार में जाके मैंने हिचकिचाकर अपनी बात रखी वहाँ पर तो कई बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें अनेकों अनेकों बार हुई मैं बात करना भी चाहता था परंतु बात कर नहीं पाता था क्योंकि मैं अपने माइंड में ही फंसा हुआ था और ये मुझे नहीं मालूम था ओके okay, मुझे लगता था कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है और इस वजह से मैंने अपने आप को काफ़ी पीछे धकेल दिया कम्युनिकेशन गैप बनने लगा और फिर ये चीज़ें थोड़े और एक और लेवल पर अगर मैं लेके कर चलूँ तो फिर मैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे भीड़ है तो वहाँ पर चलने में भी मैं मुझे ऐसा लगने लगा कि सब लोग मेरी तरफ़ देख रहे हैं और मैं कैसे चल रहा हूँ मेरे कपड़े कैसे हैं इन चीज़ों का ये चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे हल्ला मचाने लगी हालांकि मैं स्पोर्टी था एथलेटिक था तो ये चीज़ें मैं ओवरकम कर जाता था बट स्टिल ये चीज़ें मुझे परेशान करने लगी और एक बार की मैं बात बताता हूँ जब मैं एम में था तो मेरी एक फ्रेंड थी सो हुआ क्या कि वो फ्रेंड का कुछ इंटरव्यू वगैरह था उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद हम दोनों मिलने वाले थे तो हुआ क्या कि आ, मेरे दिमाग में बताऊँ क्या है मैं पब्लिक के बारे में ज़्यादा सोच लेता था तो मेरे को लगता था कि अगर मैं लड़की से मिलूँगा तो लोग क्या बोलेंगे और मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे उस, उनको क्या लगेगा कि इन दोनों के बीच में क्या है लड़की से मिल रहा है ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत तेज़ तेज हल्ला मचाने लगी तो उस दिन की मुझे यह बात याद है कि जब मैं उससे मिला तो मेरे हाथ पौन ऐसे ऐसे काँप रहे थे ठीक है मतलब मैं फील कर सकता कि मेरा हाथ पाँव खाँप रहे हैं मैं उसके साथ चल भी रहा हूँ तो स्टिल मेरे हाथ पाँव खाँप रहे हैं हमारी सीनियर हमारे सीनियर थी एक तो होता क्या था कि मैं ना लड़कियों को इग्नोर मार देता था मेरी सीनियर थी एक तो उन्होंने हम लोगों को फ्रेशर पार्टी भी दी थी तो अगले दिन क्या वो सीनियर जो मैडम थी वो मैडम और एक दो सर भी थे सीनियर को हम लोग मैडम या सर बोलते हैं तो मैंने सर लोगों को तो हेलो किया लेकिन मैडम की तरफ मैडम की तरफ से मैंने इसे मुँह फेर लिया और अभी जिस जगह मैं पढ़ा था भी मेरे को याद है स्टार्टिंग के दो दो तीन साल तो आई मैं टोटली फीमेल आ, फीमेल्स को इग्नोर मार देता था मैं भले ही बात भी करना चाहता हूँ बट देर वॉज समथिंग यार कि बिल्कुल एक रजिस्टेंस टाइप का आता था ऐसी अनेकों घटनाएं मैं आपके सामने रख सकता हूँ अनेकों अनेकों घटनाएं अनेको मैं आपके सामने रख सकता हूँ परंतु अब बात ये करनी है कि मैं इससे बाहर कैसे इस चीज़ से कैसे बाहर आया चीज़ मैं आज, आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बहुत सारे लोग फेस करते हैं बहुत सारे लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम को आप किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो आपको किसी स्टैंडर से बात करने में अजीब सा लगता है बात नहीं कर पाते हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो यहाँ पर बस केवल एक ही चीज़ है वो है आपका माइंड ये माइंड आपके साथ खेलता है और आपको पता नहीं है हमें नहीं पता होता हम बच्चे रहते हैं हमें नहीं पता तो मैं यही चीज़ आपको समझाने आया हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस और आप अलग हो लेकिन ये जानने में ये जानने में बहुत समय लगता है क्योंकि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था लेकिन जब से मैं प्रैक्टिसेस करने लगा तो धीरे धीरे चीज़ें मुझे क्लियर होने लगी और मेरे साथ के जो मेरे सीनियर थे उनकी मदद से ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाया माइंड के बारे में जान पाया मेरे साथ एक विपशना मेडिटेटर थे उनकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है तो और बाकी जो पूरा क्रेडिट है तो सदगुरु को ही है तो किस प्रकार से मैं चीज़ों से बाहर निकल पाया सबसे पहले मैंने श्याम भाई महामुद्रा में दीक्षा ली और उस समय भी मुझे कुछ कुछ पता नहीं था फिर शाम भाई करता रहा दो तीन साल तक फिर मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखी और हठ योगा सीखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा माइंड के बारे में चीज़ें पता लगने लगी योगासना की वजह से तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी फिर उसके कुछ समय के बाद मैं दो में ही शून्य के लिए गया शून्य के बाद मैंने बहुत पंद्रह किया और फिर उसके बाद मैंने समयमा का एट डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम सदगुरु के साथ मैंने अटेंड किया तो जब मैं इन चीज़ों से गुज़र रहा था तो मैंने ये देखा कि मैं अपने माइंड से दूरी बनाने लगा मुझे मेरे और मेरे थाट प्रोसेस के बीच में पता लगने लग गया कि ये मेरा थाट प्रोसेस है और ये मैं हूँ क्योंकि जब तक आपकी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो थॉट और आप एक साथ ही चलोगे लेकिन अगर इन दोनों के बीच में गैप होने लगा तो मान लो कि अगर आपको गुस्सा आया तो ये गुस्सा है और ये आप हो आपको दिख जाएगा अगर आपको दिख गया कि ये रहा गुस्सा तो आप इधर हो जाओगे आपको गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप देख लोगे आपको गुस्सा आया आप थोड़ी देर ऐसे रहे और गुस्सा चला गया अब और गुस्सा ऐसे नहीं हो इसी तरीके से हमारी लाइफ में अनेकों चीज़ें होती है जैसे मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है तो प्रेजेंटेशन देने जाना है तो मेरा माइंड क्या करेगा अभी भी कर सकता है ये थोड़ा सा चीज़ें भरने लगेगा आपके सामने लेकर आने लगेगा ले ये देख चार लोग हैं और हम ऐसे में क्या करते हैं फिर नज़रें चुराने लगते हैं लोगों से तो अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सामने अगर आप नज़रें चुराने लगे तो यहीं फंस गए आप तो आपको जिससे भी आप बात करने जा रहे हो उसकी तरफ पूरा देखना है क्योंकि जब मैं अपोजिट जे, जेंडर से बात करता था तो मैं मैं उनको देख रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद मेरा माइंड ऐसे लिया आएगा अभी तू इसको देख रहा है मत देख तू देख रहा है इसको देख रहा है देख रहा है देख रहा है बस ऐसे ही फिर मैं नजरें जुझाती थी अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो अच्छा कन्वर्सेशन करना है कम्युनिकेशन करना है तो आपको उनकी तरफ देखना ही पड़ेगा अगर नहीं देखोगे तो कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी बॉडी के थ्रू होता है केवल केवल मुंह से आवाज़ आ रही है नहीं हर एक चीज़ पूरी बॉडी एक्सप्रेस करती है तो जब आपको ये चीज़ करनी है कम्युनिकेट करना है कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आपने उनको देखना है अगर नहीं देखोगे तो फंस जाओगे माइंड आपको फंसा लेगा तो आपने टोटली देखना है अगर अगर आप टोटली उनको देखने लगे तो माइंड गेम खेलना बंद कर दे कर लेगा लेकिन जो स्टार्टिंग में गेम खेलता है उस पर हम क्या करें फंसा कर रखना चाहता है हम लोगों को ये फंसा कर ही रखेगा मैं आपको कह सकता हूँ ये फंसा कर ही रखेगा क्योंकि मैंने बहुत 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 सारे केसेस में ये देखा है बहुत सारे केसेस में ये देखा है आप बात करना चाहोगे पर बात कर नहीं पाओगे आप कुछ काम करना चाहोगे आप कर नहीं पाओगे आप शादी में गए आप डांस करना करना तो चाहते हो पर आप करने जा नहीं पा रहे हो तो ये जद्दोजहद में फंस जाता है आदमी और माइंड का काम ही यही है कि ना ही आपको आगे स्टेप लेने देगा और ना पीछे दे जाने जाए देगा ये बीच में वहां से रह ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे बस ऐस आप ऑसिट करते रह जाओगे तो इस ऑसिलेशन से बचना है तो सबसे पहले अगर आप ये देख पाओ कि ये माइंड है माइंड में कुछ थाट उठ, उठ रहे थाट उठ रहे हैं उनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो अपनी रियलिटी को देखना है कि सामने क्या हो रहा है और अगर आप इतना देखने लग गए तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी लेकिन अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर जो पाथ मैंने फॉलो किया योगा का आप योगी की योगिक प्रैक्टिसेस करने लगेंगे तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ जैसे शाम्भि महामुद्रा क्रिया है इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है एनर्जी राइज होती है तो जब एनर्जी राइज़ होती है तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो एनर्जी राइज़ होती है लेकिन क्रिया योग में हम दूसरा तरीका होता है ये अपनाया जाता है कि एनर्जी राइज कराओगे तो अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगी अब अवेयरनेस बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको ये दिखने लगेगा कि आप अलग हो और आपका थॉट प्रोसेस अलग है बस एनर्जी अवेयरनेस राइज होने का मतलब यह है तो अगर आपकी अवेयरनेस राइज होने लगी तो आपके माइंड में जो थॉट उठ रहा था पहले ये अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा कर ही नहीं सकता इसका औचित्य ही नहीं रहेगा ये कब उठा और कब खत्म हुआ इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा इसको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कब उठा और कब खत्म हुआ ये थॉट उठना एक समय के बाद ही उठना ही बंद कर देगा थॉट ही नहीं उठेगा कि आप अपोजिट जेंडर से बात करने के आपके अंदर आया भी नहीं कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो या किसी लड़के से बात कर रहे हो ऐसा आपके अंदर उठेगा ही नहीं मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग देखो मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं और हम ये सोचने कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो सामने वाला वैसा करेगा लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये चीजें आपके माइंड में उठेंगी ही नहीं और आप केवल उसी मोमेंट पे जो सामने से घटना होगी उसका आप रिस्पॉन्स दोगे रिएक्शन नहीं दोगे क्योंकि रिएक्शन कैसा होता है या रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले से अपने दिमाग में कुछ सोच के रखेंगे और वही फेंक के मार देंगे ये होता है रिएक्शन देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको अगर किसी ने पीछे से आके डरा दिया तो डरने के बाद आया आप ऐसा करते हो क्योंकि आप बचना चाहते हो बचना चाहते हो या फिर वो चीज़ जो आपके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है हल्ला मचा कर आप बचना चाहते हो कुछ ऐसा आपके दोस्त ने बस पीछे से आपको ऐसे धक्का दिया था अगर आपके अवेयरनेस थोड़ी हाई रहती तो आप ये पता लगा लेते कि, कि किसी ने हल्का सा मुझे हाथ मारा है चिल्लाने या इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती ये रिएक्शन है आप अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी होगी तो आप चिल्ला आप रिएक्शन नहीं दोगे आप रिस्पॉन्स दोगे और रिस्पॉन्स ये कि अच्छा ये तो हाथ लगा है हो गया आप हर किसी को ऐसे नहीं डरा सकते और जब कोई डरता है तो वो एक तरीके से रिएक्शन ही है रिएक्शन ही है वो रिस्पॉन्स नहीं है जिसकी अवेयरनेस हाई होगी उसे डराना इम्पॉसिबल है जितनी ज़्यादा अवेयरनेस उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं योगा का जो पाथ है इससे हमारी अवेयरनेस राइज़ होती है और ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये कब गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा पता भी नहीं चलेगा चाहे फिर वो पब्लिक फियर हो चाहे अपोजिट जेंडर का फ्योर हो चाहे कुछ भी हो ये सारी की सारी चीज़ें केवल एक ही चीज़ से ख़त्म करी जा सकती है वो है अवेयरनेस मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि मुझे एक प्रॉब्लम थी शाही स्टोमक की तो वो मैं उससे मैं किस तरीके से बाहर आया और मैं किस तरीके से उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था मैं एक एक चीज़ अगली वीडियो में क्लियर करूँगा और आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मैं किस स्ट्रगल से मैं बाहर आया हूँ और कितनी अब कितना आसान वो हो गया है मेरे लिए अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद